गुमनाम है कोई। वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता फैमिली। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है मंडे, तो हैप्पी मंडे। मंडे को थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, संडे छुट्टी रहता है, तो मंडे को थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है। और मेरा सारा काम ख़त्म होते होते 12:30 बज चुका है अभी, ठीक है। और कैसे हैं आप एज यूजुअल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भी मेरा मतलब बहुत सारा काम बाकी है अभी भी। मशीन रहा है कपड़ा का, एक बाल्टी धुल चुका है, एक बाल्टी और बाकी है, ठीक है। अभी मैं लंच बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का मंडे ब्लॉग। तो यहाँ पर ना बच्चे लोग का पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है, मतलब चलने वाला है, तो उन्हीं लोग का थोड़ा तैयारी करवा रही हूँ, साथ ही काम, घर का काम, बच्चों का पढ़ाई, ये सब। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, ठीक है। मेरा गरम मसाला ख़त्म हो चुका है, मैं सोच रही हूँ कि घर पे गरम मसाला का पाउडर बना दूँ। तो ये ना एक मेरे पास होल गरम मसाला का पैकेट है, पता नहीं कौन सा ब्रांड का है। तो इस सारे का सारा पाउडर बना दूँगी मैं सोच रही हूँ, तो कैसा है टेस्ट मुझे पता नहीं, इसके अंदर भी क्या क्या है मुझे नहीं पता, वो थोड़ा देखूंगी और उसमें मैं और कुछ कुछ ऐड करूंगी देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए घर में गरम मसाला बनाते हैं, उसका टेस्ट कैसा है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और घर मेरा दाल भी उबल गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ना गरम मसाला हमारा अच्छे से मैं रोस्ट कर ली हूँ लो फ्लेम पे। इसी को अभी ठंडा कर दूँगी, फिर उसको पाउडर बना दूँगी। वीडियो के एंड में इसको दिखाऊँगी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं एक सारा सब्जी मिला के, एक बोलते हैं हम लोग घंटा बोलते हैं, संतरा बोलते हैं, वो बनाऊँगी। एकदम मैं थोड़ा सा तेल ली हूँ 2 छोटे चम्मच के करीब, हम ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तेज़पत्ता और सूखा मिर्च, पंचफोड़न का तड़का लगा दी हूँ। तो फिर हम ना प्याज को, एक आधा प्याज को क्रश कर लिए हैं, और प्याज को ना अच्छे से फ्राई कर लिए हैं देखिए। और कम तेल की वजह से ना थोड़ा सा चिपक गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इलायची लौंग मैं डाल दी हूँ, और थोड़ी से एक टुकड़ा दालचीनी, उसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर ली हूँ बैंगन, बरबट्टी, और ये है आलू और अरबी, ठीक है। मेरे पास ना कुमड़ा नहीं था, आप चाहे तो कुमड़ा भी इसमें डाल सकते हो, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं भीगा हुआ चना वो डाल दी हूँ 2 मुट्ठी, इससे भी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और डाल दी हूँ साथ ही नमक डाल दी हूँ, जो कि वीडियो में स्किप हो गया है। नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के उसको अच्छे से मैं 2-3 मिनट के लिए ना इसे ही फ्राई कर दूँगी। और साथ ही डाल दूँगी टमाटर एक मीडियम साइज़ का,
ठीक है। तो टमाटर डालने के बाद अच्छे से मैं थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लूँगी, पका लूँगी अच्छे से। फिर आधा कटोरा पानी डाल के, बहुत कम पानी, आधा कटोरा से भी कम पानी डाल के ना उसको एक सीटी, बस एक सीटी आने लगा दूँगी। फिर गैस को ऑफ कर दूँगी और जो हमारा जो सुपर टेस्टी सलाद है वो बन के तैयार हो चुका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बन भी गया है और बहुत टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। आप घर में ऐसा ट्राई कीजिए, आपको पसंद तो आएगा ही, तो ट्राई कीजिएगा आप। हमारा लंच बनके तैयार हो चुका है, सिंपल सा लंच है। और जो सब्जी दिखाई आपको, उड़े में हम लोग घंटों बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, हेल्दी टेस्टी, ये मतलब रोज का खाने लायक है, तो आप घर में ट्राई कीजिए। तो ये रहा आज का लंच, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चाय पीने का टाइम हो गया है मेरा, और ये देखिए कच्चा आम बेचने के लिए आए हुए थे घर पे, तो मैं रख ली हूँ 2 केजी। इसका बनाऊंगी मैं अचार, ठीक है। इसका अंदर पता नहीं, छोटा छोटा बहुत है, और थोड़ा सा बड़ा होता ना तो सही रहता। इसको भी मैं धोऊंगी, साफ करके काट के बनाऊंगी इसको अचार, और बच्चे लोग को थोड़ा पढ़ाने उठाई हूँ। और आज है ना नेक्स्ट डे है, मंडे को शुरू की थी, फिर ना सो गई थी कल, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज हम कल से मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी सोमवार को, और आज हो गया है मंगलवार। कल सो गई थी, फिर याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनाना था। तो आज अभी मैं और भी करूँगी, जैसे कि आम दिखाया ना अभी, उसी को धो धा के काटना पड़ेगा, उसको अभी थोड़ा ज़्यादा काम है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगा। मैं आम का अचार कैसे बनाऊंगी, घर का चीज़ों से, बाहर का कुछ खरीदा हुआ। अभी तो ऐसे भी फिलहाल जो एटमॉस्फेयर है एकदम बाहर जाने लायक है ही नहीं, तो घर के चीज़ों से ही मैं कैसे आम का अचार बनाऊंगी, एकदम टॉप क्लास मज़ेदार लाजवाब बनाऊंगी। आम का अचार किसे पसंद है बताओ? मुझे। कितना पसंद है? बहुत ही। इसीलिए आज आम वाला आया था ना, तो 2 किलो आम रखी। अब मुझे तो लगा था कि इस बार आम मुझे मिलेगा नहीं, मैं अचार अचार कुछ नहीं बना पाऊंगी, लेकिन भगवान भेज दिए अभी मैं बनाऊंगी आम का अचार। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, रखती हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून एंड लॉट्स ऑफ लव। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा गरम मसाला जो आपको दिखाया था ना वो बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा खुशबू, मैंने बहुत अच्छा है ये। और इसमें ना हम 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर मिला के ना उसको मिक्सी में अच्छे से पीस दी थी, देखिए। और रोस्ट क्या हुआ था हमारा जो मसाला, बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि ये जो हम लोग पैकेट में ख़रीदते हैं ना, ब्रांडेड सब, ये ब्रांड का गरम मसाला, वो ब्रांड का गरम मसाला चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। इसको अभी हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे और हमारा गरम मसाला रेडी यूज़ करने के लिए।